Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. Today we are going to do the exercise part of Chapter 9, Soil. I have given you some questions in your homework. I hope you all have done it very nicely. So let's start with the remaining questions. Question number 4. Explain how soil is formed. तो soil कैसे form करता है? Soil is formed through the process of weathering. Weathering is a process of physical breakdown and chemical decomposition of rocks and minerals near or at the surface of the earth. This physical and chemical decomposition is primarily done by wind, water, and climate. As a result of these processes, large rock pieces are converted into smaller pieces and eventually to soil. तो soil कौन से process से form करता है? Weathering के process से. हम पढ़ चुके हैं ये already. कि वेदरिंग कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे जो रॉक्स का फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है और वो फर्दर रॉक्स और मिनरल्स फर्दर सरफेस ऑफ द अर्थ के पास जो रहते हैं वो फर्दर अंडर सम प्राइमरी कंडीशंस लाइक विंड, वाटर, क्लाइमेट, इससे इन्हीं के वजह से वो बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होके सॉयल बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ इज क्लेई सॉयल यूजफुल फॉर क्रॉप्स. तो क्लेई सॉयल कैसे क्रॉप्स के लिए यूजफुल है? सो क्लेई सॉयल इज यूजफुल फॉर क्रॉप्स फॉर द फॉलोइंग रीजंस. तो क्लेई सॉयल क्रॉप्स के लिए यूजफुल है कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कि इट हैज़ एक्सलेंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्लेई सॉयल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, क्लेई सॉयल एंड लोमी सॉयल आर सूटेबल्स फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक वीट. Water holding capacity of clay soil supports the growth of crops like paddy which require more water to grow. Okay. Question number 6 is the list the differences between clay soil and sandy soil. So clay soil particles are finer, sandy soil particles are larger. Clay soil particles are tightly packed whereas sandy soil particles are loosely packed. Clay soil holds a good amount of water whereas sandy soil holds water holding capacity is low. Clay soil is heavy in weight, sandy soil is light in weight. Clay soil is rich in humus and organic nutrients whereas sandy soil is not rich in humus and organic nutrients. In clay soil very little air is trapped between the particles. तो क्ले सॉइल में जो एयर है उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम एयर ही वो ट्रैप कर पाते हैं. बट इन सैंडी सॉइल मोर एयर इज़ ट्रैप्ड बिटवीन द पार्टिकल्स. लेकिन सैंडी सॉइल्स में क्ले सॉइल के सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वो ज़्यादा एयर ट्रैप कर पाते हैं. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 7 इज यू हैव टू मेक अ स्केच ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेबल द वेरियस लेयर्स. तो आपको सॉइल के बहुत सारे क्रॉस सेक्शन बनाने हैं और उनको वेरियस लेयर्स को उनको लेबल करना है. जैसे कि देर आर 4 लेयर्स, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड बेडरॉक. सो स्टूडेंट्स दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. यू हैव टू प्रैक्टिस इट इन योर होम एंड ऑल्सो मेक इट इन योर फेयर कॉपी. Question number 8 is Razia conducted an experiment in the field related to the rate of percolation. She observed that it took almost 40 minutes for 200 ml of water to percolate through the soil sample. Calculate the rate of percolation. तो रजिया ने एक experiment conduct किया जहाँ पे उसको percolation rate निकालना था. तो उसने क्या observe किया कि लगभग उसको 40 मिनट लगा 200 ml वाटर को परकुलेट करने में सॉयल एक सॉयल सैंपल में. तो हम लोग कैसे अभी परकुलेशन रेट निकालेंगे? तो सबसे पहले हम अमाउंट ऑफ वाटर कितना है लिख लेते हैं. तो अमाउंट ऑफ वाटर है 200 ml. परकुलेशन टाइम कितना लगा हमको? 40 मिनट्स लगा. हम लोग को ये पता ही है कि फॉर्मूला क्या है परकुलेशन रेट निकालने का, कि अमाउंट ऑफ वाटर इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाई परकुलेशन टाइम इन मिनट्स. तो क्या लिखेंगे हम लोग? अमाउंट ऑफ वाटर कितना है? 200 डिवाइडेड बाई 40. सो आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट 5 ml पर मिनट. तो कितना है रेट ऑफ परकुलेशन? 5 ml पर मिनट. ओके. क्वेश्चन नंबर 9 इज
एक्सप्लेन हाउ सॉयल पोल्यूशन एंड सॉयल इरोशन कुड बी प्रिवेंटेड। तो कैसे सॉयल पोल्यूशन और सॉयल इरोशन को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं? सो इट कैन prevent or controlled by the following measures: by reducing the use of plastics we can reduce soil pollution। हम लोग प्लास्टिक को कम यूज करेंगे जितना उतना हम लोग सॉइल पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। by controlling the use of chemical fertilizers and pesticides we can control soil pollution। तो हम लोग जितना कम जो फर्टिलाइजर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स हैं उनको जितना कम यूज़ करेंगे उनका जितना कंट्रोल करके यूज़ करेंगे उतना हम लोग सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सॉइल इरोशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। सो प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज विल रिजल्ट इन रिडक्शन इन सॉइल इरोशन बाय स्टॉपिंग डीफॉरेस्टेशन एंड अवॉइडिंग ओवरग्रेजिंग ऑफ animals। okay, so by this process by these measures we can prevent and control the problem soil pollution and soil erosion। okay students, the chapter has ended। I hope you all understood this chapter and find it very interesting। if you all have any doubt in any part of this chapter you can ask me, I am going to clear your all doubts। till then write all the question answers in your copy, learn the answers and read the chapter carefully। Thank you students।